बारिश के मौसम में अगर आपने पाव भाजी नहीं खाया तो फिर और क्या खाया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक क्विक रेसिपी। पाव भाजी में डालने के लिए लिया है मैंने 3/4 कप फ्रोजन मटर, इसे पानी डाल के रख लिया है, 1 शिमला मिर्च, 2 गाजर, 4 टमाटर। आप ये हरे मटर जो आते हैं सूखे हुए, ये इसमें आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, आप ऐसे फ्रोजन या ताजे मटर ही यूज कीजिए। जी, 3 आलू ले लिए हैं, इसे आप उबाल लीजिए। मैं यहाँ कुकर में सब्जी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे बड़े पीसेस में काट लिए हैं। अगर आपको तवा में सब्जी बनानी है पाव भाजी की तो आप इसे फाइन चॉप कर लीजिए। सेम मैंने गाजर को भी काट लिया है, कुकर के लिए बड़े पीसेस कर लिए हैं और अगर तवा में करना है तो स्मॉल पीसेस में काट लिया है। टमाटर को भी आप हाफ कर लीजिए और तवा के लिए आप बारीक चॉप कर लीजिए। कुकर में सारी सब्जियां डाल लीजिए और इसमें 1 कप पानी डालकर 1 सीटी तक आप पका लें। मीडियम फ्लेम में 1 सीटी तक कर लीजिए। आप एक तवा या छोटी कढ़ाई ले लीजिए, उसको लो फ्लेम में रखें और मैंने यहाँ पर 7-8 लौंग और 4 काली मिर्च ले ली है। आप इसको हल्के से रोस्ट करते रहिए, गैस का फ्लेम आप लो ही रखें नहीं तो ये जल जाएंगे। और 3/4 चम्मच ये मैंने यहाँ पर मेथी दाना डाल दिया है, इसे हल्का सा रोस्ट करें करीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। आप गैस बिल्कुल ही लो रहनी चाहिए नहीं तो ये जलने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का, इसे भी आप हल्के हाथों से रोस्ट करते रहें, चलाते रहें इसे। इससे हमारे पाव भाजी में एक अच्छा तीखापन और फ्लेवर बहुत ही उसका बढ़ जाएगा। और मिक्सर ग्राइंडर में लेकर इसे अच्छे से फाइन पाउडर जैसे आप बना लीजिए। ये देखिए मैंने 1 बड़ा प्याज ले लिया है और इसे फाइन चॉप कर लिया है, इसे हम बाद में तड़का लगाएंगे। सब्जियां अच्छी से उबल गई हैं, अब इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे। याद रखिएगा आप इस पानी को फेंकिएगा मत। और इससे हम जो टमाटर है वो अलग कर देंगे क्योंकि सब्जी में हम टमाटर बाद में डालेंगे। आप ये टमाटर के छिलके भी निकाल सकते हैं, कुछ के बच्चों को टमाटर के छिलके पसंद नहीं रहते तो आप इसे छिलका निकाल के भी बना सकते हैं। मैंने जिस कुकर में सब्जियां उबाली थी उसी कुकर में मैं कुकिंग कर रही हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं निकाल रही। इसमें आप डाल दीजिए करीबन 2 या 3 चम्मच तेल, गैस को मीडियम रखिए और तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए हम इसमें हमारी उबली हुई सब्जियाँ डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें हम अपनी सब्जियाँ डाल दे रहे हैं और इसे मैशर की हेल्प से आप अच्छे से मैश कर लीजिए। आपको इसे मैश करने में 5 मिनट्स लगेंगे। सब्जी हमारी अच्छी से मैश हो गई है, अब इसमें हम हमारे जो टमाटर उबले हुए थे साथ में वो डालकर फिर इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। टमाटर डालने के साथ आप उसमें नमक भी डाल दें। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से मैश हो गई है, टमाटर, मटर, गाजर, शिमला मिर्च सब अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें अपने उबले हुए आलू, मैंने उसे थोड़ा सा क्रश कर दिया है, ये सारा अच्छे से मिला दें। मसाला अच्छे से आलू के साथ हो गया है, इसमें फिर हमने जो कसूरी मेथी, मेथी, लौंग और काली मिर्च का जो पाउडर बनाया था ये पूरा डाल दें और इसके साथ आप पाव भाजी मसाला भी डालें। मैंने इसमें 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला भी डाला है। अब आप इसे अच्छे से सब्जी के साथ मिला लीजिए। देखिए मसाला और सब्जी हमारा अच्छे से मिल गया है। अब इस बर्तन को आप साइड में रखिए। अब हम प्याज का तड़का लगाते हैं। तड़का हम बटर से लगाएंगे, तेल से नहीं। देखिए आपका गैस एकदम मीडियम आंच में रहना चाहिए, हमारा जो बटर है वो जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसमें हम जब बटर पिघल ही रहा है तभी हम बारीक कटे हुए हमारे प्याज डाल देते हैं। प्याज थोड़े से नरम हो गए हैं, अब इसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट 2 मिनट चलाने के बाद मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है जिससे हमारे पाव भाजी में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे अच्छे से आप प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए। पाव भाजी की और खुशबू के लिए
मैंने इसमें एक चम्मच पाव भाजी मसाला भी डाल दिया है। ये देखिए, एक चम्मच पाव भाजी लें मसाला और आप इसमें डाल दें और इसे कंटिन्यू आप चलाते रहें ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल जले ना। जो पानी बच गया था सब्जी उबालने के बाद, उसको धीरे धीरे आप इसमें मिलाते रहें। इससे होगा ये कि प्याज हमारे जलेंगे भी नहीं और अच्छे से गल जाएंगे। आप इसे भी मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लीजिए। मेरे बच्चे को सब्जी में प्याज बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं इसे बहुत ही अच्छे से मैश कर देती हूँ ताकि उसे पता ही ना चले कि इसमें प्याज डला हुआ है। अगर आपने आलू के मसाले में ही पूरा नमक डाल दिया है सब्जी का, तो आप यहाँ पर नमक ना डालें। और अगर उसमें सब्जी में नमक कम है, आप टेस्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था वो सब्जी मिक्स कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। ये काफ़ी गाढ़ी है अभी, इसमें जो ये सब्जी का उबला हुआ पानी था ये मिक्स कर दें। अगर आपको और भी थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें गर्म पानी मिलाइएगा, बट वैसे पाव भाजी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, थोड़ा थिक रहता है। इसे मैश करते रहिए कंटिन्यू 10 मिनट और इसको मध्यम आंच में रखने के बाद देखिए आप इसमें थोड़े थोड़े उबाल आ रहे हैं। बस हमारी पाव भाजी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके साथ देखते हैं कि पाव कैसे सेकना है। तवे में आप पहले डाल लिए एक चम्मच बटर। देखिए आपका जो बटर है ये जलना नहीं चाहिए। उसके साथ आप डालिए थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ी धनिया की पत्ती, और इसके बाद आप इसमें पाव रखकर आप अच्छे से दोनों साइड से सेक लीजिए ताकि जो हमारा पाव है ये अच्छे से बटर एब्जॉर्ब कर ले। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मैं पाव भाजी जब भी बनाती हूँ मुझे मेरे नागपुर की याद जरूर आती है। ये हमारे पाव बनकर रेडी हो गए हैं। अभी इसे पाव भाजी के साथ सर्व करते हैं। यकीन मानिए, दो पाव में तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।